सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में देखिए मेरे साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को 69 साल के हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पीएम मोदी के प्रशंसक इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को एक खास तोहफा दिया है। सरकार ने प्रोविडेंट फंड की बढ़ी हुई ब्याज दर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पीएफ पर 8.65% की दर से ब्याज मिलेगा। लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने आज सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। 19 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु से तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। 83 तेजस विमानों के लिए HAL को करीब 45,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कश्मीर में खुला वातावरण है, वहां शांति का माहौल है। शाह ने कहा कि 5 अगस्त से 17 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, ना ही किसी नागरिक की जान गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। अमित शाह ने ये बातें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक प्रोग्राम में कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के 69 बर्थडे पर उनकी जिंदगी पर बनी एक फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है। इस फिल्म के पहले पोस्टर को अक्षय कुमार और प्रभास जैसे एक्टर्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस फिल्म का नाम मन बैरागी होगा, जिसको महावीर जैन और संजय लीला भंसाली प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म को संजय त्रिपाठी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म इस साल के आखिर तक सिनेमाघरों में आ सकती है। पाकिस्तान के नए कोच मिसबाहुल हक ने अपनी टीम की फिटनेस को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को बिरयानी और मिठाइयां खाने से मना कर दिया है। खबरों के अनुसार मिसबाहुल हक ने घरेलू टूर्नामेंट और राष्ट्रीय कैंप में खिलाड़ियों के लिए आहार और पोषण की योजना को बदल दिया है। अब खिलाड़ियों के लिए मिठाई या बिरयानी नहीं होगी। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हार झेलने के बाद पाकिस्तान के प्रशंसकों ने अपने खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवाल खड़े किए थे। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।